नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष लाइव फोन इन इंट्रैक्टिव सेशन में और आपके साथ मैं याशु गांधी हर रोज़ की तरह हम आज लेकर आए हैं लाइव अपनी क्लास टेंथ के बच्चों के लिए जिसे आप ई विद्या चैनल नंबर टेन पर देख रहे हैं तो क्लास टेन और टॉपिक है हमारा आपको टॉपिक बताने से पहले आपको विषय बता दूँ विषय है सोशल साइंस और टॉपिक है भूमंडलीकृत विश्व का पन्ना यानी कि द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पार्ट वन और इसे आपको विस्तार से बताने और समझाने के लिए जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं आइए आपका भी उनसे परिचय करवा देते हैं हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं वो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एन दिल्ली से डॉक्टर नाथ कबाटी सर नमस्कार कैसे हैं आप okay. और सर से इस विषय को समझने से पहले दो खास बातें आप सबके साथ आप सबके लिए कि आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर सेव होंगे लिखे हुए होंगे अगर नहीं है तो स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं आप उनके माध्यम से कर सकते हैं सेशन के दौरान हमसे संपर्क और सब्जेक्ट एक्सपर्ट से विषय से जुड़ी हुई अगर कोई भी क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं इसके अलावा हमारे दूसरे जो सेशंस हैं दूसरे कार्यक्रम हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई आप फीडबैक देना चाहते हूँ या कोई भी बात अपनी साझा करना चाहते हूँ तो आप हमारा ईमेल का जो पता है वो भी नोट कर लें लगातार स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे आ, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं क्लास टेंथ की बात हो रही है तो हमारे बड़े बच्चे समझदार बच्चे हमारे साथ हैं जाहिर सी बात है उनका नोट पैड उनका पेन पेपर उनके साथ तैयार होगा सर जब हम विश्व के बनने की बात करते हैं इतिहास के परत दर परत पन्नों को जब पलटते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और ये सब कुछ घटित हो रहा है इस विश्व में तो इसके बनने की जो आ, जो प्रोसेस है वो समझाइए क्या खास है आज हमारे विषय में हमारे आज चैप्टर में यस थैंक यू मैडम जो uh, अभी मैडम ने हमें जो प्रस्तावना या पार्श्वभूमि जो अभी बताई है तो uh, हम देखते हैं कि हमारे जो कुतूहल है विश्व के बारे में या हमारे आसपास के जो भी जिंदगी है हमारी सोसाइटी uh, समाज है तो उसके बारे में हम जानते हैं और ये जानकारी हमें अच्छी तरह से एक शास्त्रयुक्त हमें इतिहास से प्राप्त होती है और हम देखते हैं कि इतिहास यह विषय विश्व समाज और व्यक्ति पर केंद्रित हमें रहा दिखाई देता है तो आज हम जो पाठ जानने वाले हैं तो वो है कक्षा दसवीं का जिसमें हम देखते हैं कि विश्व समकालीन विश्व भारत और समकालीन विश्व इसकी जानकारी इस किताब में हमें प्राप्त होती है और कक्षा दसवीं में हमें भारत के साथ साथ विश्व के बारे में भी जानकारी दी गई है और विश्व की क्या क्या विशेषताएँ है और अलग अलग राष्ट्र के संस्कृति के बारे में भी हमें यहाँ जानकारी प्राप्त होती है और हम देखते हैं कि इस खंड में जो कि खंड दूसरा है और जिस जिसमें हम देखते हैं कि जीविका व्यवस्था और समाज इस खंड में हम देखते हैं कि विश्व के बारे में इसी दृष्टिकोण से एक हमें जानकारी या अभ्यास दिया गया है और हम देखते हैं कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना ये जो उस इस खंड का जो प्रथम घटक है बिंदु है उसमें विश्व के बारे में चर्चा हुई है और यह विश्व जो है आज जब हम विश्व विश्व को देखते हैं तो हम आज जो आधुनिक विश्व है यह जानते हैं और इसका चित्र हमें दिखाई देता है लेकिन हमें यह प्रश्न या यह चिकित्सा करनी चाहिए कि आज का यह चित्र विश्व का जो हमें दिखाई देता है ये आज ही बना है या इसके पीछे कोई इतिहास है रंजक इतिहास है पार्श्वभूमि है ये हमें देखना आवश्यक होता है और इसी की जानकारी हमें यहाँ दी गई है तो बच्चों हम आज इसी के बारे में और सकुलता से यहाँ चर्चा करेंगे हम देखते हैं कि यह विश्व और अलग अलग संस्कृति वाले राष्ट्र देश समाज खान पान और अलग अलग, अलग घटनाएँ जो कि आज के विश्व पे परिणाम करती है जैसे कि तीर्थ यात्रा है युद्धजन्य परिस्थिति है अर्थव्यवस्था है व्यापार है व्यापारी जो भी रास्ते हैं, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है जो कि एक विश्व निर्माण में सहयोगी होते हैं और विश्व पे इनका प्रभाव होता है खान पान अनाज ये सारी रहन सहन संस्कृतियाँ भाषा धर्म ये सब जो बिंदु है हमारे विश्व पे समाज पे कुछ ना कुछ प्रभाव डालती दिखाई देती है इसका प्रभाव हमें दिखाई देता है और आज का जो विश्व है हम हमारा राष्ट्र है यह निर्माण होने में इसका इसकी कुछ भूमिकाएँ महत्वपूर्ण होती है और इस संबंध में ही संदर्भ में ही हमें इस पाठ में इसकी जानकारी दी गई है और हम देखते हैं कि विश्व जिसका चित्र हमें आज दिखाई दे रहा है क्या सही में वो शुरुआत से ही यही था तो हम जब इसकी जानकारी लेने लगते हैं शुरुआत करते हैं तो हमें दिखाई देते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी उसके लिए अलग अलग कारक बिंदु है और अलग अलग उसके पहलू या विशेषताएं हमें दिखाई देती है जैसे हम प्राचीन काल से ही आ, देखते हैं कि एक विश्व का निर्माण जो हो रहा था तभी से कुछ ना कुछ बिंदु उस पर प्रभाव डाल रहे थे जैसे कि हम देखते हैं कि व्यापार है हम देखते हैं कि भारत एक व्यापारी आ, व्यापार करने वाला एक राष्ट्र था सदन राष्ट्र था और भारत से बनाए हुए अलग अलग जो कि वस्तुएं चीज़ें थी पूरे विश्व में उप लोक प्रसिद्ध थी और इसीलिए अलग अलग देशों में राष्ट्रों में उसका इस्तेमाल बहुत लोकप्रिय बन रहे थे और उसकी जो डिमांड थी वो भी बढ़ती जा रही थी और इससे हम देखते हैं कि भारत का और आ, अलग अलग राष्ट्रों का भी संबंध संपर्क बढ़ता जा रहा था बिल्कुल अलग अलग राष्ट्रों से संपर्क बढ़ता जा रहा था और आ, कुछ हमारे अगर बच्चों को इसी के साथ अगर हम पीपीटी के माध्यम से कुछ बताएं दिखाएं और समझाएं तो आ, वो भी और ज़्यादा स्पष्टीकरण मिलेगा तो, तो, तो आ, जी हम देखते हैं कि आ, जो पाठ है उसका जब हम परिचय सर्वप्रथम लेंगे तो हम पाठ के जो भी गह, बिंदु है उसके बारे में जानकारी हमारे लिए आसान बन जाएगा और पाठ का जो उद्देश्य है उसके बारे में हम परिचित हो जाएंगे जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ आधुनिक युग से पहले यह हमारा प्रथम बिंदु है उसमें जो उपबिंदु है उसमें रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया भोजन की यात्रा विजय बीमारी और व्यापार इसके बारे में चर्चा हुई है दूसरा जो बिंदु है उन्नीसवीं शताब्दी उसके बारे में और उस सौ साल के कालखंड में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उसके बारे में यहां चर्चा की गई है जैसे कि विश्व अर्थव्यवस्था का उदय तकनीकी की भूमिका 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद इंटरपेस्ट या मवेशी प्लेग जो कि एक आ, हम देखते हैं कि अलग अलग जो बीमारियां थे उसके संबंध में यहाँ जानकारी दी गई है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना विदेश में भारतीय उद्यमी भारतीय व्यापार निवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था इसके बारे में इस बिंदु में जानकारी दी गई है और जो तीसरा बिंदु है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था जिसमें उपबिंदु में युद्धकालीन रूपांतरण युद्धोत्तर सुधार बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग महामंदी भारत और महामंदी इसके बारे में जानकारी दी गई है और जो चौथा बिंदु था है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और युद्धोत्तर काल युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन बूट्स संस्थान प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता और ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत इस बिंदु के आधार पर हम देखते हैं कि इस पाठ का पूरा परिचय दिया गया है और हम इस पाठ का जब परिचय लेते हैं इस बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें इस पाठ का उद्देश्य क्या है इस पाठ में हमें हमारे लिए क्या जानकारी उपलब्ध है यह हमें दिखाई देती है और हम इस पाठ को सम आ, अच्छे से समझ सकते हैं और यह पाठ जो है जो विश्व का निर्माण हुआ है आज जो हमें विश्व दिखाई देता है इसके लिए जो प्रथमता से प्राचीन काल से जो बिंदु प्रभावित कर रहे थे उसके बारे में जानना हम हमें यहाँ दिखाई हमें जानना क्रम प्राप्त होता है और हम प्रथम यह देखते हैं कि प्राचीन काल में ही विश्व का निर्माण या विश्व की एक जो आ, जो एक स्वरूप बन रहा था उसकी शुरुआत हो चुकी थी जैसे हम प्राचीन काल में हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास जब हम पढ़ते हैं पढ़ना शुरू करते हैं हम देखते हैं कि उसका अलग अलग राष्ट्रों से संबंध था और अलग अलग राष्ट्रों के साथ उसका सांस्कृतिक व्यापारी संपर्क हो रहा था तो ये छोटी छोटी जो घटनाएं है ये कहीं ना कहीं विश्व के निर्माण के लिए कारक बन रही थी और अलग अलग जो कि वैश्विक जो बातें हैं वो भी भारत बनने के लिए प्रभावित कर रही थी जैसे कि हम देखते हैं कि तीर्थ यात्रा ये तीर्थ यात्रा भारतीयों के लिए नई संकल्पनाएं नहीं है हम यहाँ भार भारतीय समाज में तीर्थ यात्रा यह शब्द सुनते हैं और हमारे समाज में हमारे परिवार में हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा करते रहते हैं और भारतीय समाज में इसका महत्व धार्मिक भी है सांस्कृतिक भी है और तीर्थ यात्रा के लिए बहुत लोग बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में निकलते हैं और ये तीर्थ यात्रा धार्मिक स्थलों में इसके साथ बाह्य देशों के साथ भी होती दिखाई देती है तीर्थ यात्रा हम देखते हैं कि रस्तों का उपयोग उसमें होता था कुछ वाहन उपलब्ध होते थे उसका ही उपयोग होता था और बाहर के राष्ट्र के साथ जल मार्ग जहाज़ों से भी हम तीर्थ यात्रा करते थे और यहाँ विश्व यह बिंदु हमें सामने रखना है केंद्र हमारा विश्व है और हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर तीर्थ यात्रा जो थी वो किस तरह से होती थी इसके बारे में प्रथम बिंदु में जानकारी दी गई है अलग अलग धर्मों के तीर्थ यात्री तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे इस कारण हम देखते हैं कि एक कही कहीं ना कहीं धार्मिक विचारों का सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान होता रहता था भारत से हम देखते हैं कि हमारे जो कि मूल धर्म है संस्कृति है उ, उसके मूल्य बाहरी राष्ट्रों में पहुंच चुके थे जैसे कि गौतम बुद्ध के बारे में हम देखते हैं कि अलग अलग राष्ट्रों में उनका विचारों का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था और इसी कारण बुद्ध को जानने के लिए बुद्ध के विचार से प्रभावित होकर वहाँ के समाज के प्रवासी तीर्थयात्री भारत में आना शुरू कर उन्होंने शुरू कर दिया था इसी कारण हम देखते हैं कि अलग अलग राष्ट्रों में भारतीय संस्कृति भारतीय परंपराएं भारतीय मूल्य उस राष्ट्र में जा चुकी थी और उनका वहाँ पे वहाँ स्वीकार भी समाज ने किया दिखाई देता है और ये तीर्थ यात्रा इसमें इस विश्व को इससे इस पद्धति से हमें प्रभावित करती दिखाई देती है और तीर्थ तीर्थ यात्रा के अलग अलग महत्व अलग अलग पहलू भी हम देख सकते हैं कि तीर्थ यात्रा में क्या Uh, किसका समावेश होता है और तीर्थ यात्रा किस स्वरूप में होती है और तीर्थ यात्रा का उद्देश्य क्या है इसके बारे में हम और सकुलता से जानेंगे तब हमें तीर्थ यात्रा का विश्व के निर्माण में विश्व बदलने में आ, क्या भूमिकाएँ थी इसके बारे में और ठीक से हम जान सकते हैं बिल्कुल क्योंकि वो सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं थी हम एक जब हम यात्रा की बात करते हैं आ, कनेक्ट होने की बात करते हैं गतिशीलता हाँ। की बात करते हैं विचारों का भावों का आ, संस्कृतियों के आदान प्रदान से भी वो जुड़ा हुआ है और एक और ख़ास विषय खास, खास टॉपिक जो इसके अंतर्गत आता है सर आ, जब हम बात करते हैं आ, सिल्क रूट की तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं चाहूँगी उसके बारे में भी आप हमारे बच्चों को समझाएं। जरूर ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए जानकारी होगी ये प्रश्न होगा कि सिल्क रूट जिससे हम रेशिम मार्ग भी बताते हैं कि अभी हमने एक तीर्थ यात्रा के बारे में जानकारी ली और उसमें हमने चर्चा जब की उसमें हम देखते कि मार्ग या एक जो रूट था उसी आधार पर हम यात्राएं करते थे और इसके साथ एक महत्वपूर्ण जो अंग था जिसमें व्यापार जिसने विश्व के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका व्यतीत की है और यह व्यापार जो चलता था और इस व्यापार में हम देखते कि अलग अलग उसमें वस्तुएं चीज़ों का समावेश होता था लेकिन ये सिल्क रूट है एक विशेष पूर्ण आ, ये संकल्पना आ, हमें दिखाई देती है जिसे रेशम मार्ग जो बोलते हैं हम और समझने के लिए रेशमी मार्ग जो था तो हमें देखते हैं कि इसमें एक प्रकार के वस्तु उनका आदान प्रदान होता था जिसमें प्रमुख था रेशम इसे सिल्क भी हम बोल सकते हैं तो ये चीन में निर्माण होना उसका प्रथम था शुर। प्रथम शुरुआत हुआ और फिर बाद में हम देखते हैं कि भारतीयों ने भी सिल्क में अति उच्च सर्वोत्कृष्ट सिल्क बनाना या रेशम वस्त्र बनाना शुरू किया और पूरे विश्व में भारतीय रेशम की एक रेशम का प्रभाव बढ़ा और उसकी डिमांड भी बढ़ी और लेकिन शुरुआत जो हुई थी रेशम वस्त्र बनने की या रेशम की धागे की तो चीन से हुई और चीन से होते हुए फिर आगे हम देखते कि भारत ईरान इराक रोम ग्रीक और पश्चिमी राष्ट्र इसमें एक इसका समूह बना और जो ये मार्ग था रूट था तो ट्रेड रूट बना और यह से इस मार्ग पे प्रमुखता से रेशिम का आदान प्रदान ज़्यादा होने लगा और इसीलिए इसकी पहचान रेशिम मार्ग या अपना सिल्क रूट सिल्क रूट के नाम इसके नाम से यह इसकी पहचान बनी लेकिन यहाँ से रेशम पश्चिम में ज़्यादा था और पश्चिम से सोना और चांदी इससे आशिया एशिया में या भारत में और चीन में आता दिखाई देता है इसकी बहुत सारी विशेषताएं हमें दिखाई देती है और हम इस तरह से ट्रेड रूट जो था ये भी एक विश्व को बनने के लिए ये जो ट्रेड रूट का समूह था ये अपनी भूमिकाएं महत्वपूर्ण उसकी थी ऐसे दिखाई देता है और हम देखते कि अलग अलग जैसे कि इसमें युद्ध की भी एक संकल्पना दी गई है कि युद्ध के कारण हम देखते हैं कि विश्व में कैसे बदलाव हुए हम देखते हैं कि राष्ट्रों की जो सीमा रेशाएँ है ये युद्धों के कारण बदलती हुई दिखाई देती है ये सर वही युद्ध जैसे जब हम जैविक युद्ध की बात करते हैं तो ये उससे अलग है हाँ युद्धों नहीं ये युद्धों का एक प्रकार है युद्धों में हम देखते हैं कि शस्त्रों से एक दूसरे पे वो आक्रमण करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन यहाँ शस्त्रों का उपयोग ना करते हुए एक जैविक अस्त्र का उपयोग उन्होंने किया दिखाई देता है जैविक युद्ध जैविक अस्त्र हम आधुनिक काल में देखते हैं लेकिन इसका उपयोग प्राचीन काल से ही हमें या मध्ययुगी सत्रहवीं सदी में देखते हैं कि बहुत सारे राष्ट्रों ने इसमें उपयोग किया गया दिखाई देता है जिससे कि उसका उपयोग करते हुए उन्होंने अपने अलग राष्ट्रों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था इसमें शस्त्रों का उपयोग नहीं था लेकिन उन्होंने इस जैविक युद्ध के आधार पर उन्होंने जो सामने जो राष्ट्र है उस पर नियंत्रण प्रस्थापित किया और उनको गुलाम बनाया इसके भी उदाहरण हमें दिखाई देते हैं इसी कारण विश्व में विश्व बनने का जो कई सत्र था एक इतिहास था इस पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया था जैविक युद्ध की भी संकल्पना हमारे इस पाठ में दी गई है और हम देखते हैं कि इसमें युद्ध के भी बहुत सारी उदाहरण दी गई है और उपनिवेशवाद जो है उपनिवेशवाद का भी एक हमें यहाँ उदाहरण दिया गया है उपनिवेशवाद जो कि हम देखते हैं कि युद्ध व्यापार और ये सारे जो संकल्पनाएँ थी ये इससे एक साम्राज्यवाद की भूमिका साम्राज्यवाद का दृष्टिकोण बड़ा, उसका महत्व तो बड़ा, और इसीलिए जो भी हमें पाश्चिमात्य राष्ट्र यूरोपीय राष्ट्र जो थे उन्होंने एशियाई राष्ट्रों पे आक्रमण करना शुरू कर दिया था और इससे एक साम्राज्यवाद बड़ा था और हम देखते हैं कि इसी कारण आ, भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं भारत, नहीं भारत को भारत पर ने उसकी हाँ, प्रसार किया याँ, याँ, और आ, इसके बारे में और भी बहुत कुछ समझना है बहुत ही विस्तृत विषय है टॉपिक हाँ, है लेकिन वक्त और अनुमति नहीं दे रहा अगर कुछ पल में जल्दी से हम अपने बच्चों हाँ, को सर कुछ टास्क दे पाए तो ये पाठ पढ़ने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्व का जो नक्शा है हमें देखना महत्वपूर्ण हमारे लिए है उससे हम विश्व का एक स्वरूप हम समझ सकते हैं हमारे जो कि नेबर्स है नेबर हाँ नेबर कंट्रीज है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं और विश्व का निर्माण कैसे हुआ और अलग अलग उनके जो नाम है उनके नाम के पीछे जो इतिहास है उसके बारे में हम जब जानेंगे तो हमें बहुत रोचक चीज़ों को समझना और ज्यादा yes. आसान होगा हाँ. और अगर आप उसको क्लास नाइन्थ टेंथ की जब बात होती है तो पॉइंटर्स हाँ. अगर आप बनाते हैं तो उसको yes. रिकॉल करना एग्जाम के समय रिवाइज yes. करना भी बहुत आसान होता है तो इन बातों पे ध्यान रखें क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमारे ब्रेन में वो मैप की जो कंट्री की जो सिचुएशन जो पोजिशन है जोग्राफिकल कंडीशन अगर हमारे क्लियर होगी जहन में तो ये सारे बिंदु भी खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगे इसी के साथ सर Uh, आपका बहुत बहुत धन्यवाद yeah. आपने हमारे बच्चों के लिए समय निकाला सेशन में और इतने अच्छे से समझाया yes. बहुत धन्यवाद सर yeah. तो इसी के साथ आ, विश्व को पढ़ने और समझने के लिए जो नक्शा है यानी कि जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसको भी समझना ज़रूरी है इस बात का ख्याल रखिए और इससे भी बड़ी बात कि अपने जीवन को समझने के लिए प्रसन्न रहिए ऊर्जावान रहिए और जिसे कहते हैं पॉजिटिविटी के साथ सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़िए लेकिन अभी के लिए इस सेशन में इतना ही हमें अनुमति दीजिए नमस्कार